साउंड बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप दुकान या शॉप में किसी तरीके से भी हो। इनकेस अगर आप बाहर जाते हो तो आपको पता चल जाता है कितने आपके अकाउंट पर पैसे आए हुए हैं। अब साउंड बॉक्स में पता है एक प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो आपको लगता है पहले बार इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसके बाद लगता है इसका रेंटल चार्जेस। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है पेटीएम जो है रेंटल चार्जेस ले रहा है, बट एक चीज़ याद रखना है इसे क्लोज करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ बता देता हूँ। अभी क्या है, जैसे जियो और एयरटेल दोनों पेमेंट बॉक्स अपना रिलीज करने वाले, इस केस में पेटीएम जो चाहता है अपने कस्टमर को रिटेंशन यानी कस्टमर को क्लोज करना नहीं देना चाहता है, उसके कारण से वो बहुत सारे कस्टमर को फ्री में ऑप्शंस दे रहे हैं जहाँ पे उसे कोई भी रेंटल देने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके के भी मंथली चार्जेस देने की जरूरत नहीं, तो 125 रुपीज चार्ज किया जाता था। कब तक सर्विसेज रह सकता है ये मेरे को नहीं पता है, बट मुझे लगता है अगर आपको अपना पेटीएम साउंड बॉक्स का रेंटल हटाना है तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और मैंने बस एक ट्राई किया यानी कि तुक्का मैंने मारा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अगर हम डीएक्टिवेशन का बात करें तो शायद वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ हमें पेटीएम साउंड बॉक्स मिल जाएगा। तो वही केस में जब मैंने किया तो मेरा काम बन गया और अभी मेरे पास वो जो साउंड बॉक्स है उसका कोई रेंटल चार्जेस नहीं लगेगा। एक चीज़ याद रखना, ये बहुत ही कम लिमिटेड यूजर्स को मिल रहा है, तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। और अगर आपको डीएक्टिवेट नहीं कराना है तो कॉल पे बोल देना कि मुझे डीएक्टिवेशन नहीं चाहिए। अच्छा, अगर फिर भी क्लोज करना है या इस चीज को ऑप्शन इवेल करना है यानी कि आपको कोई मंथली चार्जेस नहीं देना है, तो सबसे बेस्ट तरीका भी क्या कर सकते हो, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ साउंड बॉक्स। जब पेटीएम बिजनेस वाला ऐप ओपन करोगे तो यहाँ से आपको साउंड बॉक्स ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट आने के बाद आपको यहाँ पे साउंड बॉक्स इशू सेलेक्ट करना है, करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सीरियल नंबर देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको एक नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए चीज़ याद रहेगी, उस नंबर पर आपको फ़ोन करना है। अब उस नंबर पर जब आप फ़ोन कर देते हो तो अपने रजिस्टर्ड नंबर से फ़ोन करोगे तो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, अगर आप अनरजिस्टर्ड नंबर से करोगे तो पहले आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर दबाना पड़ेगा, फिर OTP, फिर आपसे वो कॉन्टैक्ट करते हैं साउंड बॉक्स को रिलेटेड। याद रहेगा साउंड बॉक्स रिलेटेड आपको बोलना पड़ेगा, साउंड बॉक्स रिलेटेड तो पूछता नहीं है बट आप बोला अदर इश्यूज करके वो खुद ही बोलते हैं, इसमें आपको 4 नंबर दबाना पड़ता है। आप जैसे इस पर दबाओगे एक मर्चेंट वहाँ से मतलब उनका एग्जीक्यूटिव कॉन्टैक्ट करेगा आपसे और आप वहाँ पे अपना ऑप्शन बताइए कि हमें डीएक्टिवेट कराना है। याद रखिए इस प्रोसेस को इवेल करना, तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे डीएक्टिवेट करना है और फिर डीएक्टिवेट जैसे आप बोलोगे तो वो आपको बोलेगा कि एक काम कीजिए सर, हम आपको फ्री में ऑप्शन दे देते हैं, आपको कोई भी साउंड बॉक्स जो है वो बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को फ्री में यूज़ कीजिएगा, तभी आप लीजिएगा। नहीं तो अगर वो कोई चार्जेस आपके लिए कम नहीं कर रहा है, 125 रुपये फिर भी आपको पे ऑफ करना है, तो आप बेस्ट है कि आप उसे क्लोज कर दीजिए ना, उसके अल्टरनेटिव काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे देखिए बिजनेस के लिए मुझे लगता है फोन पे ठीक हो सकता है, ये तो आपको बस गूगल पे का भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, बट वो कैशबैक बोलते हैं बट पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। बट इस वीडियो में यही माध्यम था कि आपको साउंड बॉक्स पेटीएम का चार्जेस कम कराना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं डीएक्टिवेशन प्रोसेस से। यही अगर रखते हैं, कोई भी डाउट आता है तो आप नई चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता है नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।